तो देखिए ये जो कलांचो प्लांट है ना मेरा, थोड़ा इनमें पानी ज़्यादा खड़ा रह रहा है, तो इसकी मैं हल्की हल्की गुड़ाई कर देती हूँ ताकि इसमें हवा भी जाए और हल्की हल्की मिट्टी को धूप भी लगे। अगर ज़्यादा इनमें जो मिट्टी है ज़्यादा गिली गिली सी रहेगी तो प्लांट ख़राब होने की चांसेस है। कई दिनों से मैं देख रही थी इस तरह से हो रखा था, तो अब मैंने सोचा कि इसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर लेती हूँ। हल्की करनी है आसपास, और ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि अभी सर्दी टाइम है, तो ज़्यादा पानी देंगे तो ये देखिए मिट्टी बिल्कुल गीली गीली सी, बहुत गीली गीली सी मिट्टी है, तो प्लांट ख़राब हो जाएंगे, गल जाएंगे प्लांट। और कई सारे प्लांट मेरे ऐसे ही ख़राब होते जा रहे हैं क्योंकि कभी इधर रख रही हूँ तो कभी उधर रख रही हूँ, अच्छे से धूप नहीं मिल पा रहे हैं और धूप भी बहुत कम ही निकल पा रहे हैं। आजकल तो धूप बहुत कम हो रही है। ये जो प्लांट है ना फ्रेंड्स, सर्दियों में ही आपको दिखेंगे, गर्मी में तो बिल्कुल पता नहीं चल पाएंगे कि कौन से कलर हैं, कौन से प्लांट हैं। सर्दियों में ही ये ब्लूम करते हैं, इनमें जो फ्लावर्स आते हैं सर्दियों में आते हैं। तो आप अभी इस टाइम लगाइए, ये प्लांट परमानेंट होते हैं, हमेशा ही आपके गार्डन में बने रहेंगे। और एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार भी कर सकते हो, बस ज़्यादा पानी मत दीजिएगा सर्दियों के टाइम, और इन्हें धूप में रखिएगा सुबह से लेकर शाम तक, जहाँ धूप लगे वहाँ पे रखिएगा। अभी तो फ़िलहाल धूप हो नहीं रहे हैं, तो जहाँ धूप लगे, हल्की हल्की धूप आ रहे हैं तो धूप में ही रखिए इस प्लांट को लगा के। और छोटी सी छोटी स्टेम कटिंग से ये प्लांट लग जाते हैं, तो जब ये ब्लूम करना बंद कर देंगे तो फिर मैं कटिंग्स को भी ग्रो करूँगी। और दो कलर मैंने ले आया था, देखिए एक पिंक है, और मुझे 45 45 का दे रहे थे लेकिन 40 40 रुपीस का मैंने लिया है उनसे। लेकिन छोटे छोटे प्लांट थे, आप देख ही पा रहे हो कि बहुत छोटे छोटे प्लांट हैं, लेकिन बहुत ही प्यारा कलर है। ये देखिए फ्लावर भी बहुत छोटी छोटी है, अभी इनको लगाए मुझे 1 महीने हो रहे हैं, मैंने शेयर भी किया था वीडियो। और जैसे ही धूप निकलना शुरू हो जाए तब आप इन्हें हर 15 दिन पे फर्टिलाइज़र करते रहिए, जो खाद है सरसों की खली नीम की खली का लिक्विड तैयार करके दीजिए। अभी तो मैं दे नहीं पा रही हूँ, अभी मेरे यहाँ तो काम चल रहे हैं, तो मैं मतलब कि बिल्कुल छत खाली तो है ही नहीं है, तो जो भी होगा मैं दूंगी, थोड़ा बहुत तो खाद मुझे देना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तो मैं ग्रो की हूँ 1 महीने पहले, तो इन्हें खाद देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने गुड़ाई कर दी है और ऐसी जगह पे रखा है, देखिए यहाँ पे धूप लगेंगे, हल्की हल्की धूप इन्हें लगते रहेंगे पूरे दिन, जब धूप निकलेंगे तो फ्रेंड्स होप करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।